आपको जो है इनको जो है पढ़ करके जाना है। देखो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी 99 पर। तो फाइनली गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा 2024 को जो पेपर होने वाला है कक्षा 10वीं का, ठीक है, जो आपका 9 फरवरी को पेपर होने वाला है उसमें जो है टॉप कराने की गारंटी आप हम पर छोड़ दीजिए। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो मैं आपको परीक्षा अध्ययन से आपको कुछ इतने खतरनाक IMP क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है, इस वीडियो में, और फुल पेपर का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। इस तरीके का आपको जो है पेपर जो है मिलने वाला है, और यहाँ पर मैं आपको 30 से 35 ऐसे IMP क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में 100% लिख कर ले लो मेरे से, जो आपके आएंगे इससे बाहर आपके जो क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाऊंगा 30 से 35 उससे एक भी बाहर यहाँ पर नहीं जाएगा। हाँ, दो चार क्वेश्चन बाहर जा सकते हैं, बाकी के आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ पर बाहर नहीं जाएगा जो मैं इंपॉर्टेंट, एक से दो क्वेश्चन ही बाहर जाएंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर बाहर नहीं जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको बताने वाले हैं। और संस्कृत का जो आपका पेपर है कक्षा 10वीं का, ठीक है, कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए जो है वो आपका देख सकते हो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो फुल सॉल्यूशन के साथ हम आपको पूरा जो है पेपर भी यहाँ पर दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पेपर दिखाता हूँ किस तरीके से आपका पेपर यहाँ पर आना है। वीडियो वाइज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, संस्कृत के पेपर में टॉप कराने की गारंटी आप हम पर छोड़ दो। बस आप लोग फटाक से वीडियो को लाइक करके यहाँ पर चैनल को जो है सब्सक्राइब यहाँ पर कर लो। तो सबसे पहले हम आपको पेपर दिखाना स्टार्ट करते हैं, इसके बाद जो है हम आपको IMP क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। आपके जो है 30 से 35 IMP क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग बस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करके यहाँ पर फटाक से यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करके यहाँ पर फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो गाइस यहाँ पर हम आपको पेपर दिखाना सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विद सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पर इस तो कॉपी पर मैंने पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर नोट कर लिया। तो देख सो दो, सबसे पहले आप लोग पेपर देख लीजिए। पेपर में हमारा देख सो संस्कृत पेपर में आपका कक्षा 10वीं का पहला यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। देख सो यहाँ पर उचित विकल्प चित्वा लिखित, यानी कि हमें जो है यहाँ पर सही विकल्प का चयन करके यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अच्छे तरीके से, यहाँ पर आप लोग देख लो। तो चलो गाइस इसको हम यहाँ पर फटाक से यहाँ पर करवाते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो पूछा गया, इस तो फलानी इतिश्य पदे वचनम अस्ति, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुवचनम, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा, तो वालकम इतिश्मन पदे विभक्ति अस्ति, तो इसका आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय, इसका एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को मैं फिर बोलूँगा, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके यहाँ पर चैनल को जो है सब्सक्राइब यहाँ पर नहीं किया है, फटाक से गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब यहाँ पर फटाक से कर लो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, तो गच्छनी इतिश्मय अतिश्मन पदे दिखो वचनम अस्ति, तो इसका आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा एक वचना में, आपका एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर फटाक से यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग चौथा भी आप लोग यहाँ पर फटाक से देख लो। क्वेश्चन नंबर चौथे में पूछा इस तो राज्ञ अतिश्य पदे का विभक्ति अस्ति, तो इसका आपका एकदम चौथे का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आ वाला आपका चतुर्थी, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका पाँचवा क्वेश्चन पूछा इस तो विज्ञा माता एवं रक्षति अस्मिन वाक्य अव्यम अस्ति, तो इसका आपका पांचवें का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इब, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना छठवां क्वेश्चन पूछा गया, इसके बाद अपना छठवां क्वेश्चन पूछा दोस्तों आज्ञो लिखित लिखितेषु दोस्तों अव्यम नास्ति, तो इसका आपका छठवें का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतः, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है आपके सही विकल्प जो है एकदम करेक्ट करेक्ट यहाँ पर करवा दिए, ठीक है। वीडियो वाइज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी IMP क्वेश्चन की तो वारी है गाइज, IMP क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख के जाना वीडियो को, बस आप लोग फटाक से यहाँ पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद तीसरा दूसरा अपना क्वेश्चन पूछा तो आपको आपको यहाँ सत्ता सत्य यहाँ पर करने, यहाँ पर आम नाम करना है दूसरे क्वेश्चन में। तो चलो गाइस इसको भी हम यहाँ पर फटाक से यहाँ पर करवाते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके यहाँ पर चैनल को जो है फटाक से आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसके बाद हमारे तो क्वेश्चन नंबर दूसरे हमारा पहला क्वेश्चन पूछा तो भविष्यामी इतिश्मय पदे मध्य पुरुष अस्ति, तो इसका आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, इसका यानी असत्य आपका हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पूछा तो यहाँ पर अफ्टो अफटत ताम इतिश्मय इतिश्मन पदे एक वचन अस्ति, तो दूसरे का आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा अपना क्वेश्चन पूछा दोस्तों पठती इतिश्मय पदे लट लटाकार आस्ति, तो तीसरे का आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आम, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना चौथा क्वेश्चन पूछा दोस्तों पचामी इतिश्मन पदे लट लटकार लट लटाकार आस्ति, तो इसका चौथे का आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका चौथे का आपका ना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, देख सकते हो पांचवें को भी हम यहाँ पर आपको फटाक से एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर दिखाते हैं। इसके बाद अपना पांचवा अपना पूछा गया दोस्तों पराजयति इतिश्मय पदे परा उपसर्ग अस्ति, तो इसका आपका पांचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आम। इसका छठवां पूछा दोस्तों यहाँ पर दुर्दिक्षतो दुर्व्यवहार इतिश्मन पदे दूर उपसर्ग अस्ति, तो इसका आपका छठवीं का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आम, इसका एकदम यानी कि सत्य एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का भी एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर करवा दिया है। इसके बाद चलते हम प्रश्न क्रमांक नंबर
बाद तीसरे की तरफ, प्रोफेसर क्रमांक नंबर तीसरे को भी आप लोग फटाक से यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को मैं बस आप लोग लाइक करके यहाँ पर चैनल को जो है सब्सक्राइब यहाँ पर फटाक से कर लीजिए। विथ सॉल्यूशन के साथ मैं आपको पूरा पेपर यहाँ पर दिखाता चल रहा हूँ। इसके बाद आप लोग प्रश्न क्रमांक नंबर तीसरे में हमें जो है सही जोड़ियाँ करनी है, तो सही जोड़ियों को भी आप लोग फटाक से यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या करना है, सही जोड़ियाँ। तो देखो, तो पहले में हमारा पूछा है तो नाभिका, तो इसको आपको मिला देना, नाभिका को कहाँ से मिला देना, आपको अयादि संधि से जो है मिला देना है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर पूछा है खावाल स्तो जलमग्र, तो इसको आपको मिला देना है दूसरे वाले को यहाँ पर तत्पुरुष से जो है मिला देना है। इसके बाद यहाँ पर देखो गा वाला यहाँ पर गढ़ प्लस ईस, तो इसको आपको मिला देना है गणेश से। इसके बाद आपका घा वाला पूछा है तो हरिहरो, तो इसको आपको मिला देना है, इसको हरी हरे को मिला देना है आपको यहाँ पर दिगू से यहाँ पर मिला देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका पांचवा क्वेश्चन पूछा जिसको अत्का, तो अत्का को मिला देना है आपको यहाँ पर वृद्धि संधि से मिला देना है। इसके बाद पंचवटी को आपको मिला देना है दिगू से, ठीक है। वीडियो वाइज लाइक करके फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। विथ सॉल्यूशन के साथ मैं आपको पूरा पेपर भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ और IMP क्वेश्चन आपको मिलेंगे इतने खतरनाक कि आप गाइस, मैं देखो मजाक बिल्कुल नहीं कहता हूँ, जो भी बात कहता हूँ एकदम डंके की चोट पर कहता हूँ, ठीक है। मैं आपको 35 से 40 क्वेश्चन देखो IMP दूंगा, उसमें से मेरे से लिख के ले लो, आपके जो है एक दो क्वेश्चन बाहर जाएंगे, उससे आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ पर बाहर नहीं जाएंगे। बस आप लोग पहले सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लो, ठीक है, पूरे के पूरे पेपर के। इसके बाद मैं आपको जो है यहाँ पर आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ, दिखाऊंगा IMP क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख लो क्वेश्चन नंबर चौथा देख लो, एक पदेन में उत्तर लिखिए, यानी एक वाक्य में हमें उत्तर देने हैं। तो चलो गाइस, इसका भी हम फटाक से एकदम करेक्ट आंसर आपको बताते हैं। तो इसमें एक वाक्य में हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जिसको उत्कमान इतिष्मन पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कत्तबतु, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके हम लिखित आंसर भी आपको दिखाएंगे, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, बस वीडियो को लाइक करके फटाक से चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। इसके दूसरा पूछा जिसको गत इतिष्मन पदे क्या प्रत्यय अस्ति, का प्रत्यय अस्ति, तो इसका आपका हो जाएगा कत्त, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना तीसरा पूछा है तो लय प्रत्यय दिखो प्रत्यक्ष एक मन उदाहरणम लिखित, तो इसका आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञमान, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका चौथा अपना क्वेश्चन पूछा है तो बुद्धिमती यहां पर कुत व्याज्ञा दर्शासी दिखो दर्शास, तो चौथे का आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा गहन कान ने। इसके बाद अपना यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन पूछा है तो सर्वदा अधिक तो सर्व क्रेशु का बल बनती, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धि, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके छठवां पूछा है तो मनुष्याणन महारूपु का, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलस्य, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग फटाक से यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर देख लो, पहले में हो जाएगा आपका कत्तबतु, इसके बाद दूसरे में हो जाएगा कत्त, तीसरे में हो जाएगा आज्ञमय, चौथे में हो जाएगा गहन कान ने, पांचवें में हो जाएगा यहाँ पर बुद्धि और छठवें में हो जाएगा आलस्य आलस्यम, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है तो रिक्त स्थानों का, यहां पर इस तो रिक्त स्थान भरने हैं हमें क्वेश्चन नंबर 5 में। तो चलो गाइस, हम रिक्त स्थान को भी फटाक से यहां पर कराते हैं, बस वीडियो को आप लोग लाइक करके यहां पर चैनल को जो है फटाक से बस सब्सक्राइब यहां पर कर लो। यहां पर आप लोग देख लो क्वेश्चन नंबर 5वां यहां पर पूछा है, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 में रिक्त स्थानों को करना है। तो चलो गाइस, इसको भी हम फटाक से यहाँ पर करवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है तो चतुरा का दिखो इतिश नयो पदे दिखो पदियो, तो डॉट डॉट विशेषणम अस्ति, तो इसमें आपको पहले में भरना है चतुरा, ठीक है, चतुरा आपको इसमें भरना है। इसके बाद दूसरा अपना क्वेश्चन पूछा है तो दुर्बलम यहाँ पर दिखो वर्ष दिखो वरस्वरम इतिश नयो पद दिखो पदियो डॉट डॉट विशेष्याम अस्ति, तो इसका आपका खा वाले का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा वृषभ्रम, इसका आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा वृषभ्रम, ठीक है। इसके बाद अपना तीसरा क्वेश्चन पूछा है तो शीघ्रम दिखो शरीरम इतिश्य दिखो पर्यापद डॉट डॉट अस्ति, तो तीसरे का आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका आपका तनु, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना चौथा क्वेश्चन पूछा है तो शीघ्रम इतिश्य दिखो पर्यापद डॉट डॉट अस्ति, तो इसका आपका चौथे का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपना पांचवा क्वेश्चन पूछा जिस तो दानवा इतिश्य दिस्तो पदे ब्लूम पद अस्ति, तो दानवा का आपका ब्लूम शब्द क्या हो जाएगा मानवा, इसका हो जाएगा। इसके बाद अपना यहाँ पर छठवा पूछा जिस तो सार्थ क्रम इतिश्य दिस्तो इतिश्य ब्लूम पद अस्ति, तो आपका जो है इसका चावार का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका निर्थ क्रम, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है आपको एकदम यहाँ पर आपके रिक्त स्थान भी एकदम करेक्ट यहाँ पर करवा दिए। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर छठवें की तरफ, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक नंबर छठवें को देख लो, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक नंबर छठवें का भी एकदम करेक्ट आंसर आपको मिलने वाला है, सातवें का भी आठवें का भी। आप लोग बस वीडियो में बने रहिए फटाक से, बस वीडियो को लाइक करके यहाँ पर चैनल को जो है सब्सक्राइब यहाँ पर फटाक से यहाँ पर कर लो। तो चलो गाइस, यहाँ पर हम आपको एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर बताना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग छठवां वाला यहाँ पर देख लो,
छठवां वाला हमारा पूछा गया दिक्स, तो बुद्धिमति केन उपेता अपृतग्रह प्रतिचलिती, तो चलिता है, तो इसका आपका एकदम करेक्ट आंसर आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक नंबर छठवें का एकदम करेक्ट आंसर। और छठवें का आपको अथवा वाले का एकदम करेक्ट आंसर चाहिए, तो ये रहा आपका छठवें वाले का एकदम अथवा वाले का एकदम करेक्ट आंसर। आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लो वीडियो को पॉज करके। इसके बाद सातवां अपना पूछा जाए, सो कृष्णा की करोती इसमें, तो इसका आपका अगर आपको एकदम करेक्ट आंसर चाहिए तो ये रहा आपका इसका एकदम करेक्ट आंसर, यहाँ पर देख लो। इसके बाद चलते हैं हम इसका अथवा वाला भी देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक नंबर सातवें का आप लोग अथवा वाला को भी यहाँ पर फटाक से देख लो। तो यहाँ पर अथवा वाले का अगर आपको करेक्ट आंसर चाहिए तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक नंबर सातवें का अथवा वाले का एकदम करेक्ट आंसर, यहाँ पर आप लोग देख लो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक नंबर आठवीं की तरफ, तो प्रश्न क्रमांक नंबर आठवीं का भी हम आपको एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर दिखाते हैं। बस वीडियो में बने रहिए आप लोग, वीडियो को लाइक करके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाक से गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाक से जाकर के यहाँ पर ज्वाइन कर लो। तो ये रहा अपना प्रश्न क्रमांक नंबर आठवां पूछा है, तो मातु अधिका कृपा दोस्तों कश्मिन भवती, तो इसका आपका प्रश्न क्रमांक नंबर आठवें का एकदम करेक्ट आंसर आप लोग यहां पर देख लो। दोस्तों मातु अधिका कृपा दुर्बले सुते भवती, ये आपका प्रश्न क्रमांक नंबर आठवें का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अथवा वाले का आपको आंसर चाहिए तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक नंबर आठवें का अथवा वाले का एकदम करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक नंबर नौवें की तरफ, ठीक है। इसे यहाँ पर चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक नंबर नौवीं की तरफ, तो प्रश्न क्रमांक नंबर नौवीं में पूछा इस, तो नारायण प्रथम शत्रु का, तो चलो गाइस इसका भी हम एकदम करेक्ट आंसर आपको दिखाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस फटाक से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फटाक से जाकर के यहाँ पर ज्वाइन कर लो। तो चलो गाइस यहाँ पर प्रश्न क्रमांक नंबर नौवीं का एकदम करेक्ट आंसर हम आपको दिखाते हैं। तो ये रहा गाइस अपना प्रश्न क्रमांक नंबर नौवीं का एकदम करेक्ट आंसर, यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर ये रहा सॉरी आपका नारायण प्रथम शत्रु क्रोध। इसके बाद आपका अथवा वाली का एकदम करेक्ट आंसर देख लो, तो ये रहा आपका अथवा का प्रश्न क्रमांक नंबर नौवीं का एकदम करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर दसवीं की तरफ, तो प्रश्न क्रमांक दसवीं पूछा है, तो जना किस्मार्थ पदाति गच्छति, तो इसका आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक नंबर दसवीं का एकदम करेक्ट आंसर। इसके बाद आपको इसका अथवा वाले का एकदम करेक्ट आंसर चाहिए तो ये देख लीजिएगा, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक नंबर दसवीं का अथवा वाले का एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा, इस वीडियो को लाइक करके फटाक से यहाँ पर चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए, मैं आपको पूरा यहाँ पर पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक नंबर ग्यारहवां यहाँ पर पूछा गया, देख सकते हो ग्यारहवें का भी एकदम करेक्ट आंसर हम आपको दिखाते हैं, बारहवां भी देख लीजिए, तेरहवां और यहाँ पर चौदहवां भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो ये रहा आपका ग्यारहवें का एकदम करेक्ट आंसर, ये रहा आपका बारहवीं का एकदम करेक्ट आंसर, ये रहा तेरहवीं का आंसर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम आपको प्रश्न क्रमांक नंबर चौदहवां दिखाते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए और इसके आप लोग एकदम करेक्ट आंसर भी यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न क्रमांक नंबर चौदहवें के। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक नंबर पंद्रहवें की, सबसे पहले आपको हम पूरा पेपर दिखाते हैं, इसके बाद हम आपको आई एम पी क्वेश्चन यहाँ पर दिखाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग प्रश्न क्रमांक नंबर पंद्रहवां भी यहाँ पर फटाक से देख लो, और ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक नंबर 16वां, यहां पर अच्छे तरीके से आप लोग यहां पर देख लो प्रश्न क्रमांक नंबर 16वें को भी। इसके बाद आप लोग प्रश्न क्रमांक नंबर 17वें को देख लो, और ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक नंबर 18वां, अच्छे तरीके से आप लोग यहां पर देख लो, ठीक है। और इन सभी के आप लोग सॉल्यूशन देख लो, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक नंबर 15वें का छोड़ देना, इसके बाद ये रहा 16वें का, ये रहा 17वें का, और ये रहा अपना 18वें का एकदम करेक्ट आंसर, और ये रहा 19 का, और ये रहा 20 का, ठीक है। अभी हम आपको 19 20 के जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिखाते हैं आपका, ये रहा आपका, ठीक है, अथवा वाला, उसके बाद ये रहा आपका 19 और ये रहा आपका 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक का आपको सॉल्यूशन यहाँ पर पूरा यहाँ पर दिखा दिया है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 21वां क्वेश्चन, 21वें में आपका पूछा है, तो प्रार्थना पत्र आपको लिखना है अवकाश पर। तो चलो गाइस इसका भी हम आपको एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर फटाक से यहाँ पर दिखाते हैं, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करके यहाँ पर चैनल को जो है यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाक से जाकर के ज्वाइन कर लो। तो ये रहा आपका इसका एकदम करेक्ट आंसर, देख तो अवकाश पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना था, तो ये रहा आपका अवकाश पर सबसे सरल, ठीक है, पूरे यूट्यूब पर आपको इतना सरल जो है अवकाश पर प्रार्थना पत्र यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देख लो बहुत ईजी है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसके बाद यहाँ पर इस तो प्रश्न क्रमांक नंबर हमने 21वीं का भी एकदम करेक्ट आंसर दिखा दिया है, इसके बाद 22वीं का आप लोग यहाँ पर देख लेना, इसके बाद आप लोग 23वीं का आप लोग फटाक से देख लो, प्रश्न क्रमांक नंबर 23 में आप पूछा है, तो आपको इस पर निबंध लिखना है, तो हम महाकवि कालिदास पर आपको सबसे ईजी भाषा में यहाँ पर निबंध दिखाते हैं, तो ये रहा आपका महाकवि कालिदास पर सबसे ईजी लैंग्वेज में निबंध, ठीक से, तो महाकवि कालिदास पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो निबंध, ठीक है, सबसे ईजी है आपका, यहाँ पर आप लोग देख लेना,
सबसे ईजी हमने निबंध दिखा दिया है। तो यहाँ पर हमने आपको पूरा का पूरा पेपर भी यहाँ पर दिखा दिया है कक्षा दसवीं का, ठीक है, संस्कृत का जो आपका वार्षिक परीक्षा 2024 का होने वाला है, कुछ इस तरह का देखने को आपको मिलेगा, इस तरीके का पेपर आपका जो है आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने आपको पेपर यहाँ पर करवा दिया है। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर, आपको ऐसे IMP क्वेश्चन यहाँ पर देने वाले हैं, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख लो इतने खतरनाक आपको जो यहाँ पर दिखो आपका जो है यहाँ पर आपका जो है 9 फरवरी को जो संस्कृत का पेपर होने वाला है, इतने IMP क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग इन जो है मैं आपको 30 से 35 मात्र IMP क्वेश्चन दूंगा, अगर इनको पढ़ के जाओगे तो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन बाहर यहाँ पर जा सकता है। तो चलो गाइस, यहाँ पर मैं आपको एकदम खतरनाक यहाँ पर IMP क्वेश्चन यहाँ पर दिखाना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो है इनको जो है पढ़ करके जाना है। देख तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर इन जो जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं बोल आप लोग अच्छे तरीके से देख लो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 30 से 35 से 40 क्वेश्चन होंगे, इन सभी को पढ़ लो आराम से, ठीक है। अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल भी करना है नहीं करना है, ठीक है। इन सभी को आप लोग यहाँ पर देख लो, और यहाँ पर देख तो यहाँ पर इन सभी को जो जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं इन सभी को पढ़ लो बस, ठीक है। आप लोग मेरी गारंटी आप लोग टॉप करोगे अगर इन चीज़ों को पढ़ ले तो, जो जो मैंने यहाँ पर टिक लगा रखी है, देख तो इन सभी को आपको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लेना है। यहाँ पर देख सकते हो मैं आपको जो जो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इन सभी क्वेश्चंस को आपको एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, इन सभी को यहाँ पर पढ़ के जाना है। यहाँ पर आप लोग देख लो अच्छे तरीके से, यहाँ पर आपको यहाँ तक आपको जो है पढ़कर जाना है, ठीक है। अगर इतने क्वेश्चन बस आपको यहाँ पर इससे जहाँ पर आपके जो है ये 40 से 50 क्वेश्चन होंगे मात्र, बस इनको आप लोग पढ़कर जाओ। अगर आपके जो है, ठीक है, यहाँ पर मैं डंके की चोट पर कहता हूँ इनसे सिर्फ एक ही दो क्वेश्चन बाहर जाएंगे, इससे बाहर बाकी कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इन सभी को जो है आप लोग पढ़ करके यहाँ पर जाओ, और वीडियो को लाइक करके यहाँ पर चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको IMP क्वेश्चन यहाँ पर दिखा दिए, और निबंध वगैरह आपको चाहिए तो चलो गाइस यहाँ पर निबंध वगैरह भी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख लो निबंध यहाँ पर इजी यहाँ पर आपको जो भी अच्छा लगे निबंध वो आप लोग यहाँ पर पढ़कर यहाँ पर चले जाना, ठीक है। यहाँ पर देख तो पर्यावरण पर भी आप लोग यहाँ पर देख लो सबसे इजी, और इसके हम मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको महाकवि कालिदास का निबंध यहाँ पर कर लेना, ये 100% आपका रखा का रखा मिलने वाला है आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग पर्यावरण पर भी कर सकते हो, बट महाकवि कालिदास का निबंध तो भाई करके ही जाना, और सदाचार का भी यहाँ पर कर लेना आप लोग, यहाँ पर सदाचार का पूरा निबंध आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लो। और इसके बाद एप्लीकेशन भी आप लोग देख लो, दो एप्लीकेशन यहाँ पर आप लोग देख लो अच्छे तरीके से, यहाँ पर आप लोग देख लो। इसके बाद हम IMP आपकी एप्लीकेशन जो है अवकाश पर आप लोगों को पढ़ करके यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आप लोग देख लो इन एप्लीकेशन को, सबसे इजी है, आपको पूरे यूट्यूब पर यहाँ पर कोई नहीं दिखाएगा ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लो, मैंने आपको IMP बता दिए, ठीक है, सबसे IMP, ठीक है, सबसे खतरनाक जो संस्कृत का पेपर है मैंने आपको फुल तैयारी करवा दी है, आपकी जो कक्षा दसवीं की संस्कृत की आपकी मैंने फुल तैयारी एकदम करवा दी है विथ IMP क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।